नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन फिरोजपुर रोड लाहौर चुंगी अमर सिद्धू। मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील, अवामी मसाइल इसके बारे में जानेंगे भाई, क्या करते हो, स्टडी करते हो? स्टडी करता था, हालातों की वजह से छोड़ दी गई। हमें हालातों की वजह से छोड़ दिया, क्या हुआ है? क्या आपके सामने ही है जो हालात चल रहे हैं मुल्क के? क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के, बताएंगे हमें? हालात यही है, वहाँ हुक्मरान को अपनी पड़ी हुई है, अवाम देख ही रहे अवाम को। क्या हुक्मरान क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हुक्मरानों को हमारे बारे में? क्या वापस में ये लड़ रहे हैं कि वो हमें सीट मिल जाए, कोई कह रहा हमें सीट मिल जाए, ये उनको तो अवाम का पता नहीं है, अवाम क्या कर रही है क्या नहीं। अवाम किस, कितनी स्टडी की है आपने दिल भाई? ये मैं आज कैसे पढ़ा, इनके हालात इस हालात में। किधर रहते हो? मैं बैंक स्टॉप पे। बैंक स्टॉप पे स्टडी क्यों छोड़ी आपने? स्टडी क्या करें, घर के मसले पूरे नहीं हो रहे, स्टडी हम स्कूलों को क्या दे फिर? स्कूलों में क्या टेंशन चल रही है, क्या आपका कहना क्या है हुकूमत के लिए, अवामी मसाइल के लिए क्या होना चाहिए, लाइफ अच्छी हो सके? स्कूलों में तो यही है कि सर जो है वो भी कम पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे अपनी मस्तियों में तो लगे हुए हैं। सर क्यों कम पढ़ाते हैं बच्चों? वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम राणा एहतशाम। राणा एहतशाम। राणा एहतशाम, क्या करते हो भाई जान? भाई मैं आईकॉम कर रहा हूँ साथ पार्ट टाइम, ये सिम्स का काम करता हूँ। क्या सिम्स? क्या क्या ख्याल है आपका हुकूमत के बारे में? और क्या हुकूमत देखे, 16 महीने मजे लूट के अब दोनों भाई बाहर चले, पहले एक बड़ा तो बाहर था, अब छोटा भी चला गया। ये जंगल का कानून है, लेकिन किसी कोई नहीं घबरा रहा ये मुल्क। लेकिन एक जो नजरिया है ना, ये मुल्क आजादी की तरफ जा रहा है, जैसे तुर्की कोई भी आजादी के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी खून की कीमत देनी पड़ती है। जब कौम टैंकों के आगे लड़ना शुरू हो गई, मैं कहता हूँ मुल्क ये आजाद हो जाएगा। इस टाइम लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो इन्होंने बिजली के मिल महंगाई कर दी है। मेरे घर का पिछली दफ़ा 375 यूनिट का 25,000 आया, इस दफा 36,000 आ गया। 36,000? क्या आप एसी यूज करते हो? कुछ भी नहीं यूज करते, सिर्फ पंखे ऐसी, तो अब नाम से बंदा बेहोश हो जाता है भाई मेरे। कूलर यूज करते हो? कूलर भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सादा पंखा, नहीं तो हमने आजकल तो पंखा भी नहीं चला रहे, वो हाथ की जो पक्की होती है पंजाबी जबान में। हाँ जी, हाँ जी, उससे सिर्फ आजकल गुजारा कर रहे हैं। यह तो मुल्क इन्होंने तबाह कर दिया। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान का आप। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अली वारिस। अली वारिस, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ जायज़ फ्रेंचाइज पे। फ्रेंचाइज पे कितनी सैलरी है? माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बहुत अच्छी सैलरी है। बहुत सैलरी अच्छी है। और क्या कहना है आपका अवामी मसाइल के बारे में, क्या गुर्बत है, क्या अच्छी लाइफ गुजर रही है जायज़ कंपनी से? अभी तो फिलहाल ठीक है, जायज़ की कंपनी में ठीक है, फिलहाल से प्यार से मतलब रखते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी सिर्फ ये छोटी सी ये दरख्वास्त है कि सबसे कि महंगाई वगैरह ये मतलब इतनी ना करें, अवाम मतलब बहुत जलील हो रही है, तंग हो रही है, निक्के निक्के बच्चे हैं ने। मेरे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि बड़ी मेहरबानी पेट्रोल और ये थोड़ा सा आप कम करें, बड़ी मेहरबानी। मैं ये नहीं कि मैं लून ली की बात कर रहा हूँ चाहे पीटी का, मैं किसी तरफ से नहीं, मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूँ कि यार अल्लाह से आप डरें वाम किधर जाएगी। ठीक है, हमारे घर में माएँ बहने हैं, लेकिन कोशिश ये करें, आप साहब से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप थोड़ी सी महंगाई आप कम करें, बहुत आवाम परेशान हो रही है महंगाई बिल, चाहे इस्लामाबाद हर पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बड़ी मेहरबानी आप, मेरे सबसे ये दरख्वास्त है कि आप महंगाई बड़ी मेहरबानी आप कम करें। भाई का कहना है कि महंगाई कम होनी चाहिए, बड़ी मेहरबानी आप।